हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आपका स्वागत है। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिखाया गया लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाएंगे लहसुन या आलू पकोड़े। लहसुन या आलू पकोड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल बेसन, दो हरी मिर्च और धनिया पत्ते, लहसुन, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और 5 से 6 हमने आलू लिए हैं छोटे छोटे और पानी। अभी हम एक बाउल में बेसन डालेंगे और इसका घोल बनाएंगे। और नमक डालेंगे। इसका हम पकोड़े जैसा गोल बनाएंगे। अभी हम इसे साइड में ढक के रख देंगे और एक मिक्सर जार लेंगे। इसमें हम हरी मिर्च और धनिया पत्ते डालेंगे और हमने जो लहसुन लिया है वो डालेंगे। और नमक डालेंगे। अभी हम इसे क्रश कर लेंगे। अभी हमने इसे क्रश कर लिया है। अब हम इसमें ये हमारे जो धनिया पाउडर हमने लिए हैं वो डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अभी हम इसे साइड में रखेंगे और आलू लेंगे और इसको ऐसे थोड़े बड़ी साइज में कट करेंगे। ऐसे ये देखिए, ऐसे सारे कट कर लेंगे। हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं, ऐसे ही सारे कट कर लेंगे। हमने आलू सारे कट कर लिए। अब हम एक आलू का पीस लेंगे और इसमें जो हमने पेस्ट बनाई है वो डालेंगे। ऐसे और ऊपर से दूसरा एक पीस लेके इसे ऐसे पैक कर देंगे। ये अभी हमने दूसरा पीस लिया, इसे ऐसे पैक कर दिया। ऐसे ही सारे आलू को बना लेंगे। हमने सारे आलू को ऐसे रेडी कर लिया है। अभी हम बेसन लेंगे जो हमने गोल बनाया है, उसको
हाथ से थोड़ा मस लेंगे। अब हम इस गोल में एक चम्मच गरम ऑयल डालेंगे और इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे। अभी हम एक ये आलू का लेंगे और ऐसे इसे डुबो के ऑयल में डालेंगे। दूसरा भी ऐसे लेके हम इसे पलट देंगे। अभी हमारे पकोड़े रेडी हैं, देखिए कलर भी चेंज हो गया है। अभी हम इसे निकाल लेंगे। और दूसरे पकोड़े डालेंगे। हम इसे पलटेंगे। रेडी है लहसुन या आलू के पकोड़े। इसे हमने मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।